नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नरेश कुमार शो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सूर्यवंशी का। जी हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर रिलीज हुई है रोहित शेट्टी की मूवी, जिसमें आपके पसंदीदा तीन स्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह है। उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिया जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको फिल्म कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज सूर्यवंशी से। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म की कहानी बस इतनी सी है कि मुंबई के 1993 के बम ब्लास्ट के कुछ आतंकवादी पकड़ में आ जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। जो भाग जाते हैं वो वहां पर आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर देते हैं, जिनमें जैकी श्रॉफ मेन है, और वो वहां से स्लीपर सेल बना करके भारत में भेजते हैं। उसके बाद में वो भी एक एक करके भारत आते हैं, और यहां आने के बाद में त्रिदेवों के साथ में उनकी भिड़ंत होती है और वे मारे जाते हैं। पूरी फिल्म में अक्षय कुमार छाए हुए हैं, पूरी फिल्म अक्षय कुमार के ऊपर ही है, क्योंकि सूर्यवंशी जो टाइटल रोल है वो उनके ऊपर ही है। तो सूर्यवंशी आप ये ना सोचे किसी खानदान का नाम है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी जैसा कि भारत में परंपरा है, सिर्फ अक्षय कुमार का नाम है वीर सूर्यवंशी। अजय देवगन और रणवीर सिंह की एंट्री फिल्म के आखिर में होती है, जो जब भी उनकी जरूरत होती है तो रोहित शेट्टी ने उनको बड़े ही तरीके से पेश किया है, और वो आते हैं और अपना जलवा बिखेर कर चले जाते हैं। बहुत ही शानदार एंट्री होती है दोनों की, और पब्लिक बहुत ही सीटें बजाती है, ताले बजाती है, और पब्लिक झूम जाती है। अब आते हैं एक्टिंग पर। तो अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने अपना काम बखूबी निभाया है। कैटरीना कैफ डॉक्टर के रोल में बिल्कुल भी नहीं जची, वो डॉक्टर लगती भी नहीं है, और लेकिन उनको जो काम दिया गया था ग्लैमर बिखेरने का, उन्होंने बखूबी निभाया है। एक गाना उन पर फिल्माया गया है, टिप टिप बरसा पानी, जो कि मोहरा में रवीना टंडन पर फिल्माया गया था, लेकिन वो उसकी बराबरी नहीं कर सकी। जो जलवा रवीना टंडन ने मोहरा में बिखेरा था, वो जादू कैटरीना कैफ नहीं जगा सकी। विलेन के रूप में जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, जो कि बहुत समय बाद में नजर आए गुलशन ग्रोवर, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अभिमन्यु सिंह, कुमुद मिश्रा ने अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। निकित इंदिर भी हैं इसमें, वो भी लंबे चौड़े, और उन्होंने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी की है। बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। तो म्यूजिक में फिल्म कोई गाने कोई खास नहीं है, सिर्फ एक गाना ही टिप टिप बरसा पानी, जो मोहरा से ले लिया गया है, जो मैंने आपको पहले बताया। एक दो और गाने हैं जो कि आपको याद रखने में जोर लगाना पड़ेगा कि वो गाने क्या थे। एक गाना पुरानी फिल्म से लिया गया है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। इसे निर्देशक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया है, इसके लिए गीतकार और निर्देशक बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इस गाने में हिंदू और मुस्लिम सौहार्द की मिसाल पेश की गई है, जिसकी आज के दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आखिर में बात करते हैं निर्देशन की। तो निर्देशक रोहित शेट्टी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए हैं, उन्होंने बहुत मारधाड़ और खूब कारें उड़ाई है। हेलीकॉप्टर भी इस बार बहुत ज्यादा यूज में लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर के चेजिंग का सीन आपको बहुत पसंद आएगा, जो अक्षय कुमार ने निभाया है, जिसमें वो उल्टे लटक कर और उन्होंने विलेन को पकड़ा है। आपको बहुत मजा आने वाला है फिल्म के अंदर। कुल मिलाकर कोरोना काल के बाद में भारतीय दर्शकों के लिए दीपावली पर बहुत ही बढ़िया तोहफा है, और इस फिल्म को सिनेमा हॉल के अंदर जाकर दर्शकों की तालियों और सीटों के बीच में जरूर देखना चाहिए आपको। और इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार, 1 स्टार काटूंगा सिर्फ कहानी के लिए। अगर कहानी कुछ और दमदार होती तो फिल्म की बात ही कुछ और होती, लेकिन फिर भी आपको बहुत मजा आने वाला है। जाइए और एंजॉय कीजिए सिनेमा हॉल में। थैंक यू। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध करूंगा एक बार फिर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।